दोस्तों इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में पोको भी अब एक अपना एक नया सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है 22 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। ये जो लॉन्च डेट है वो 100% पोको ने कंफर्म कर दिया है। इस स्मार्टफोन का नाम है पोको M6 5G। आज के इस वीडियो को बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के पूरे 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन, डिजाइनिंग और इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर बात करूं यहां पर पोको के इस नए अपकमिंग पोको M6 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुका है। अगर आप जाकर के देखेंगे स्मार्टफोन सेक्शन में, तो वहां पर अपकमिंग स्मार्टफोन में पोको M6 5G जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर लिस्टेड है। अगर बात कर लें स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो डिजाइनिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पीछे से जो डिजाइनिंग है वो काफी यूनिक सी है। यहाँ पर डुअल लेयर कैमरे के साथ में आपको जो कैमरा पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। एक लंबे में कैमरा पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। जो ब्लैक वाला पार्ट है वो काफी लंबे में यहाँ पर दिया गया, उसमें पोको की ब्रांडिंग है जिस टाइप से पोको हर बार अपने स्मार्टफोन के साथ में करता है। दूसरी चीज अगर बात कर लें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, यानी फ्रंट के साइड के बारे में, तो आपको फ्लैटेस्ट डिस्प्ले डिजाइन के साथ में एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन दिया गया है, कोई सेंटर पंच होल वगैरह का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये एक बजट 5G स्मार्टफोन है। अगर बात कर लें स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, 6.74 इंचेस की आपको एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाली है। LCD डिस्प्ले पैनल होगी, कोई AMOLED डिस्प्ले नहीं होने वाली है। दूसरी चीज अगर बात कर लें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें पोको ने दिया है मीडियाटेक का एक लेटेस्ट 5G प्रोसेसर जिसका नाम मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस है, जो कि लगभग 15,000 रुपए के स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिल रहा है। 10 से 15,000 वाले सेगमेंट में ये जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है। बात कर लें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा पीछे की साइड, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए फ्रंट में, और साथ ही साथ यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000mAh की बैटरी, 18W का चार्जर और एंड्रॉइड 13 पे यानी MIUI 14 पे ये जो स्मार्टफोन है आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च होने वाला है। तो ये पूरे 100% कंफर्म फीचर्स हैं जो कि हमें पोको M6 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। स्मार्टफोन जो है वो 22 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है ऑफिशियली इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में फ्लिपकार्ट पे। बात आती है कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। देखो ये जो स्मार्टफोन है वो एक अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन होने वाला है, और इसकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपए निकल करके आई है। 9,999 रुपए से कहा जा रहा है कि इसका बेस वेरियंट यहां पर स्टार्ट होने वाला है। तो अब गुड न्यूज उन सभी लोगों के लिए है जो जिनका बजट 10,000 रुपए के आसपास में है और इस प्राइस पॉइंट पर उनको एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए। तो क्योंकि पोको M6 स्मार्टफोन में डायमेंसिटी 6100 प्लस का 5G प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर देखने को मिलने वाली है, और दूसरी चीज आपको 5G भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस, 5G और साथ ही साथ अच्छी कैमरा क्वालिटी चाहिए इस बजट रेंज में, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। अब आपका क्या ओपिनियन है पोको M6 5G स्मार्टफोन के बारे में? आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा? लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे? हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।